doing a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream. ऐसे फीचर हैं जो लोगों को नहीं पता चल रहा था, देखने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है स्कैन कोड का। इसमें जो होता है, आप लोगों ने देखा हो, अगर आप किसी शॉप वगैरह पे जाएं, या वैसे किसी रेस्टोरेंट वगैरह पर जाएँ, तो वहाँ पे वाईफाई अगर मिल रही होती है, यहाँ पे ये होता है, दूसरा ही ऑप्शन होता है कि अगर कॉन्टेक्ट करना हो तो आपको पता है इस तरह से वो लगा होता है। अब जो है वो नंबर नहीं लिखते, ये स्कैन कोड लिखते हैं, तो क्या होता है इस तरह से प्रिंट जगह होता है वहाँ पे, तो आप स्कैन करना होता है डायरेक्टली वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर कर देते हैं। ये थोड़ा सा अगर आपको पता होता ही होता है। उसमें ये भी होता है अगर आप किसी वैसे शॉप पर जाएँ, बुक शॉप पर जाएँ, तो वहाँ पर भी ये स्कैन करके तो आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हो, तो वो प्रिंट वगैरह भी कर देते हैं, तो उसके लिए पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे भी अगर ये है कि किसी सेंड करनी है, कॉन्टेक्ट करना है, तो सिंपल जो है आप इसे शेयर कर दें, मतलब अगर मैं इसे एज अ कोड शेयर करती हूँ, तो सिग्नल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसे शेयर करती हूँ, तो ये जैसे बिहेव लाइक अ कॉन्टेक्ट नंबर, तो उस तरह से ये करेगा, तो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप बिजनेस वाले लोग हैं तो उसको इस तरह से कर सकते हैं। इसे अगर मैं शेयर करती हूँ ये इस तरह से, अगर मैं ऐसे अपने पास ही शेयर कर देती हूँ, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अगर ये इधर मैं क्लिक करूँगी ना इसके नंबर पे, तो मुझे डायरेक्टली ये उसी नंबर पे लेके जाएगा। ये सिग्नल का इशू उसमें जैसा कर रहा है। एक तो आपके पास ऑप्शन इस तरह से होता है ना, मैसेज एंड कॉल, इसी तरह के वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ना ऑप्शन आ रहा होता है, यूअर सिक्योरिटी कोड चेंज विद, इस तरह से वो कोड थोड़ा सा आ रहा होता है। बेसिकली वो थोड़े से परेशान होते हैं कि कौन से कोड की बात हो रही है, क्या हमारा कोई अकाउंट हैक हो रहा है, या इस तरह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो एक्चुअली में ये तब होता है क्योंकि देखें, अगर मैं इनके साथ ये चैट है मेरी, तो अगर यहाँ पे जा के यहाँ पे मेरे पास ना ये इंक्रिप्शन के ऑप्शन पर जाऊँ ना, तो ये मेरे पास इस तरह के कोड आ रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी कोड्स आपके होते हैं, ये वाले सिक्योरिटी कोड होते हैं आपके, कि ये चेंज हो जाते हैं बेसिकली। ये इनकी व्हाट्सएप बनी हुई है ना, ठीक है, तो ये मेरे साथ जो है बात कर रही हूँ, तो ये हमारी ना इंक्रिप्शन, ये इस तरह से जो होती है ना ये वाली, कि मैसेज ये वाला कि इंक्रिप्टेड है, तो ये इंक्रिप्शन कोड होते हैं। कि आप अगर थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो, तो कंप्यूटर की ज़बान में होता है कि जो एक सेंडर है, क्योंकि ये यहाँ पे मैं सेंडर हूँ और ये मेरे पास रिसीवर है जिनको मैंने मैसेज सेंड करना है, तो यहाँ पे इंक्रिप्शन पे जाऊँगी तो उनकी ये सिक्योरिटी कोड मेरे साथ है। आप लोग इनके देख लिए, अगर आप लोग इसको कोडिंग को जानते हो तो हमारे कोड आ यहाँ से डिटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में चेंज कर लूँगी, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर मैं जिनके साथ मैं कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, अगर ये अपना जो व्हाट्सएप दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा बनाती हैं, तो इनका सिक्योरिटी कोड मेरे साथ, ये वाले कोड जो है मेरे साथ चेंज हो जाएंगे, ये वाले जो कोड हैं ये वाले, ये मेरे साथ चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली जो ऑप्शन वो आ रहा होता है ना, कि यूअर सिक्योरिटी कोड चेंज विद इस तरह से, तो ये वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, तो ये सिक्योरिटी वाला होता है। तो बेसिकली हुआ ये था कि कुछ देर पहले जो है मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने जो है वो इसे किया, मतलब कोई मेरे साथ उनसे बात हो रही थी, तो कहती मैं आती हूँ, तो मैंने इनको बोला वेलकम बैक, तो कहते हैं क्या मतलब वेलकम बैक, मैंने कहा व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया, तो वेलकम बैक, अरे तुम्हें कैसे पता चला। उसने मुझे कॉल करना शुरू कर दी, मैंने कहा हौसला रखो, पीछे इसके पीछे ये वाली रीज़न होती है, घबराओ नहीं, मतलब मुझे पता चल जाता है ना, क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक है।